हाँ जी, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आज मेरा बहुत मन किया वीडियो बनाने का, क्योंकि 2-3 दिन पहले कुछ स्टूडेंट्स से मिला था। बड़े डरे हुए से लग रहे थे, एग्जाम के बारे में बड़ी चिंता हो रही थी उनको कि साहब अब तो मेरा एग्जाम आने वाला है नवंबर में, सर अब क्या होगा, कुछ याद ही नहीं हो रहा, सब ऐसा लग रहा है भूल गए, और अब तो भैया वॉट लग गई एग्जाम में, पता नहीं क्या होगा। पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा करी थी सर, लेकिन सब कुछ ऐसा लग रहा है सब भूल गए हम। भैया ऐसा होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। डर डर से आगे बढ़ो, क्योंकि उसके आगे जीत है। ये जो डर है ना डियर, फियर, जैसा आप लोग देख रहे हैं, दो मीनिंग है इसके। फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, डर जाओ भाग जाओ। और दूसरा है फेस एवरीथिंग एंड राइज। फेस करो यार, डरते क्यों, जो होगा देखा जाएगा। चॉइस आपकी है दोस्तों। आज मुझे बहुत जोर से मन किया वीडियो बनाने का। भाई आप लोग क्या कर रहे होंगे, डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन 2 दिन पहले जब बच्चों से मुलाकात हुई जिनका भी नवंबर एग्जाम है, बड़े कंफ्यूज्ड थे, बहुत डरे हुए थे मन में। मैंने उनको समझाया, भाई डरते क्यों हो, लड़ो ना, डरो मत, लड़ो। लड़के हार जाना अच्छा है, लेकिन डर जाना बुजदली है। तो दोस्तों डरना नहीं है, लड़ना है। अब डरने का समय नहीं है, अब लड़ने का समय है दोस्तों। नवंबर एग्जाम आ गया है, मुश्किल से 20-25 दिन बचे हैं। बीच में दिवाली की बहुत सारी आपको टेंशन्स रहेंगी, बहुत सारा आपको डर रहेगा, फेस्टिवल सीजन रहेगा, ऐसा लगेगा यार जिंदगी रुक सी गई है, क्या हो गया है ये, क्या हूं मैं, क्या जंगल में हूं मैं, मतलब क्या करूं मैं यार। बड़ी मतलब विचित्र स्थिति हो जाती है, दिमाग का दही हो जाता है यार। लेकिन दोस्तों यही है वो समय जब आपको अपना पेशेंस रखना है, अपना धैर्य नहीं खोना है दोस्तों। देखो जिन लोगों ने पढ़ाई करी है, आपने मेहनत करी है यार, आप कोचिंग आए हो, 5-6 महीने लगातार पढ़े हो, ठीक है बीच बीच में मजे भी किए हैं, मैं मना नहीं कर रहा, मजे तो जरूरी होते हैं ना करना, लेकिन आपने पढ़ाई करी है यार, आपने हार्डवर्क किया है, अब हथियार मत डालो दोस्तों। तो मेरा आज मन किया कि मैं कुछ एग्जामिनेशन से रिलेटेड बातें करूं आपसे, जो मेरे साथ बीती मैं आपको भी बताऊं, ताकि कुछ आपका फायदा हो सके। फटाफट से देखते हैं। पहली बात कि सर अब ये जो लास्ट टाइम बचा है, इसमें पढ़ाई करें कैसे, क्योंकि अब तो इतना समय भी नहीं है, अब कैसे करें हम, क्योंकि अब तो 20-25 दिन बचे हैं सर, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ऐसा लगता है सब कुछ ही पढ़ लूं। देखो भाई अब जो 20-25 दिन बचे हैं, दैट इज फॉर योर सेल्फ स्टडी। आई थिंक वो जो मॉक टेस्ट वगैरह है वो सब हो गया होगा, अब अगर चल रहा है तो ठीक है करो उसको भी, लेकिन भैया अब ये जो 20-25 दिन है ना, ये है वो कत्ल की रातें, इसमें आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा दोस्तों। सबसे पहली बात, आप एक बार सारे सब्जेक्ट से गो थ्रू तो हो गए इस लास्ट 20-25 दिन में, एक काम कर लेना यार दोस्तों, लास्ट टाइम पर ये ट्रिक आपकी मदद कर सकती है ड्यूरिंग द एग्जाम। आप एक काम करना, आप लास्ट टाइम पर जब कोई भी सब्जेक्ट उठाओ, दो दो चार चार दिन में एक बार गो थ्रू तो करोगे ही भाई। आप एक फ्लैगशिप रखना, स्टिकर आते हैं अलग अलग कलर के, आप क्या करना, जैसे स्पेसिफिकली टिक्स की बात अगर करूं, बाकी ये स्कीम दूसरे सब्जेक्ट्स में भी लग सकती है। आपको ऐसा तो नहीं है ना कि सब कुछ ही भूल जाते हो, कुछ जगह पर भूल जाते हो, कुछ जगह याद रहता होगा, कुछ प्रोविजंस इजी लगते होंगे, कुछ बहुत हार्ड लगते होंगे, ऐसा सभी सब्जेक्ट्स में होता है दोस्तों। तो आप लोग एक काम करना यार फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे करना, वो जो फ्लेक्सिप होता है ना अलग अलग कलर का, उसमें जो प्रोविजन आपको हार्ड लगता है वहां पर एक पेन से मार्क कर लो, और उस पेज पर एक फ्लैगशिप लगा लो जो बुक से बाहर दिखता रहे, भाई ये अलग कलर का फ्लैगशिप है, ग्रीन कलर का, भाई ये मेरे को प्रोविजंस हैं जो मैं भूल जाता हूं, मुझे याद रखने में दिक्कत आती है। और एक होती है लिमिट, जैसे ग्रेच्युटी की लिमिट है, लीव सैलरी का लिमिट है, लिमिट जहां न्यूमेरिकल नंबर आपको याद रखना पड़ता है, कहीं 3 लाख है, कहीं 10 लाख है, लिमिट बहुत जल्दी भूलते हैं डियर। प्रोविजन फिर भी याद रह जाता है, लेकिन लिमिट को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। उसके लिए एक अलग कोई भी कलर, जैसे रेड कलर ले लो, तो जिन जिन पेज पर लिमिट्स का रोल है वहां रेड फ्लैगशिप लगा लो, जहां पर आपका प्रोविजंस वाला इश्यू है वहां अलग कलर लगा लो। उससे होगा क्या डियर, कि जो ये 500, 600, 800 पेज का बुक है ना आपका,
इसमें क्या छटनी हो जाएगा भाई, ये 100 पेज ऐसे हैं जहां मुझे ज्यादा दिक्कत है, बाकी तो फिर भी मुझे याद रह जाता है, यहां मुझे ज्यादा दिक्कत है। अभी पढ़ते समय ही फ्लैगशिप लगा लो, क्योंकि एक बार तो आप रिवाइज करोगे ही करोगे, उससे बहुत फायदा होगा। फायदा क्या होगा मैं बताता हूं। सेकंड पॉइंट, जब आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम टाइम पर क्या होता है दोस्तों, एग्जाम टाइम पर ये होता है, जैसे मान लीजिए आपका 1 नवंबर को एग्जाम है, फिर बीच में आपका हॉलीडे आता है, एक दिन का ब्रेक आता है, फिर आपका 3 नवंबर को एग्जाम है, तो ये सपोज करो हॉलीडे है, तो उस दिन आप क्या करोगे, उस दिन आप पूरा दिन मिलेगा आपको, और 1 नवंबर को भी जब एग्जाम से आओगे तो कुछ समय उस दिन का मिलेगा, और एक 3 नवंबर को जब वापस एग्जाम देने जाओगे उससे पहले का समय मिलेगा। जहां लिमिट्स की बात है ना फ्रेंड्स, जैसे ग्रेच्युटी का लिमिट है, आपका लीव सैलरी का लिमिट है, लिमिट वाले पोर्शन को 3 नवंबर की सुबह याद करना, क्योंकि वो जल्दी भूलोगे आप, उसको 1-2 घंटे में फटाफट रिवाइज कर लेना जो जो मेन मेन लिमिट्स हैं भैया। और मैं कोशिश करूंगा कि एक फुल इनकम टैक्स रिवीजन वीडियो आपके लिए जल्दी यूट्यूब पे अपलोड कर दूं, कि एग्जाम से पहले वाले टाइम पर आप फटाफट उस 6-7 घंटे में एक बार पूरा इनकम टैक्स रिवाइज कर लो। कोशिश करूंगा सारी लिमिट्स कवर करवाऊंगा आपको रिवीजन वीडियो में। दोस्तों मैं हूं ना यार आपके साथ, दिल से हूं, बस आप पढ़ते जाओ, टेंशन नहीं लेने का, लास्ट टाइम है टेंशन नहीं लेने का। तो आपका वो जो फ्लैगशिप है ना उस दिन काम करेगा डियर, आप उस दिन पूरी किताब को थोड़ी पढ़ने बैठोगे, जहां जहां हार्ड प्रोविजन है, जो जो लिमिट्स आप भूल जाते हो उसको एग्जाम से जस्ट पहले याद करना है, और एक बार तो सारे पेज आप वैसे भी देखोगे ही, क्योंकि वो जो बीच वाला दिन है उस दिन पूरा छुट्टी है आपका, उस दिन तो पूरा एक बार रिवाइज करके खत्म करना ही करना है। अब वो कैसे रिवीजन करना है उसका प्लान आपके पास होएगा। वैसे मैंने बताया था समरी नोट्स हैं पीछे बहुत बढ़िया हैं, उनसे भी एक बार रिवाइज कर सकते हो। और जहां हार्ड प्रोविजन है भूल जाते हो उनको तो तुरंत देख के जाना ही जाना है उस दिन। एक बात और बताऊं आपको, नींद नहीं आती यार एग्जाम टाइम पर, बहुत टेंशन होती है दिमाग में। मैं तो ऐसा था भाई, रात को सोता था तो मुझे ऐसा लगता था यार कल पेपर में ये क्वेश्चन आएगा और उसको ऐसे कर दूंगा, ये आएगा इसको ऐसे कर दूंगा, दिमाग में ऐसे चक्कर गन्नी रील सा चलता था दिमाग में। मैंने कहा भाई हो क्या रहा है ये, देखो बहुत टेंशन होता है डियर। लेकिन मैं एक ट्रिक अपनाता था, जैसे 24 घंटा पूरा मिला मान लो आपको, तो 6 घंटा नींद तो लेना जरूरी है। देखो बिना नींद लिए अगर एग्जाम में गए ना तो वहां बहुत दिक्कत आने वाली है, पेपर ही अटेम्प्ट नहीं होता मेरे भाई। आप कितने भी हथियार तैयार कर लो, हथियार अस्त्र शस्त्र तैयार कर लो, लेकिन वहां जाकर नींद ले ली युद्ध में तो वहां पर तो फिर काम लग गया ना आपका। 6 घंटा तो सोना बहुत जरूरी है भैया, लेकिन उसका तरीका ये नहीं है कि आप 18 घंटे पढ़ के फिर 6 घंटे सोओगे, ऐसा नहीं होता है। आपको वो 6 घंटा नींद आएगी भी नहीं, मैं गारंटी देता हूं। आप ऐसे करना कि पहले 8-9 घंटे का स्लॉट पढ़ाई का खींच लो एक बार में, और फिर 3 घंटे नींद के निकाल लो, दिमाग एक बार रिलैक्स हो जाएगा, है ना। फिर 8-9 घंटे का फिर एक दूसरा स्लॉट ले लो, फिर 3 घंटे नींद के निकाल लो, तो दिमाग थोड़ा ज्यादा फ्रेश फील करेगा। सोना वही 6 घंटे है, लेकिन उसको ब्रेकिंग करके करो। एकदम 6 घंटे सोओगे ना नहीं सो पाओगे, बहुत टेंशन होता है दिमाग में। और एक बात और बता दूं, अगर नींद नहीं भी आ रही हो ना यार, रेस्ट जरूर करना, दिमाग को आंख बंद करके बस लेटे रहना, चाहे नींद नहीं आ रही हो ये मत सोचना टाइम वेस्ट हो रहा है। बहुत सारे बच्चे फिर उठ जाते हैं पढ़ने, भाई साहब उस दिन तो पढ़ लोगे लेकिन उस 3 घंटे में हार जाओगे आप। नींद लेना बहुत जरूरी है, 6 घंटा इस दिमाग को, 6 घंटा तो रिलैक्स करो यार कम से कम, जरूरी है ये तो। ये मेरी टिप याद रखना, आप नींद जरूर लेना एग्जाम टाइम में, पूरी रात पूरा दिन जग के मत जाना, वरना 3 घंटे में वहां कुछ नहीं होएगा आपसे। पढ़ोगे क्या लिखोगे क्या, पढ़ोगे क्या लिखोगे क्या, सारी पढ़ाई साइड में रह जाएगी। असली युद्ध तो उस 3 घंटे में लड़ना है दोस्तों, उसमें हथियार नहीं डालने अपने को, ध्यान रखना इस बात का। सर वो MCQ जो आते हैं उनका थोड़ा सा डियर, MCQ के बारे में बता दूं, ये बहुत स्कोरिंग है यार। 30 मार्क्स का पेपर, 30 नंबर का जो पेपर होएगा ना आपका, 30 मार्क्स का, ये 30 नंबर का जो पेपर होएगा फ्रेंड्स, ये 30 नंबर का पेपर आपका MCQ होएगा 30 मार्क्स, और 70 आएगा आपका डेस्क्रिप्टिव। तो मैं आपको एक बात बता दूं डियर, मेरा ऐसा मानना है, देखो आपकी क्या सोच है आप जानो, मेरा ये मानना है कि MCQ पहले कर लेना यार, पहले डेस्क्रिप्टिव मत करना, पहले MCQ कर लेना, क्योंकि वो जो 30 मार्क्स होंगे ना उसमें फिर भी गारंटी है कि अगर आप सही पर टिक लगा रहे हो तो नंबर नहीं कटेंगे, एग्जामिनर चाकर भी नहीं काट सकता नंबर, क्योंकि वो तो कॉपी मशीन चेक है, ठीक है। तो वो 30 नंबर आप सिक्योर कैसे भी करो। अच्छा उसमें एक बात ध्यान रखना डियर, MCQ को इतना ईजी मत मानना आप लोग,
आप ये मत सोचना कि वो जो बुक में पीछे दे रखे हैं वही आएंगे, या आपके कोई इंस्टीट्यूट में या कहीं बुक से आपने कोई एमसीक्यू पढ़कर गए हो वही आएंगे, ऐसा नहीं है। दिस इज योर प्रैक्टिस ओनली। देखो मैं ये मानता हूं 10 से 15 नंबर का एमसीक्यू आईसीएआई वाले आपको इजी देंगे, क्वेश्चन पढ़ा फटाफट समझ में आएगा, क्वेश्चन पढ़ा फटाफट समझ में आएगा, लेकिन 15 से नंबर के आसपास एमसीक्यू थोड़े ट्रिकी होंगे। अच्छा, कुछ एमसीक्यू 1 मार्क्स के हैं, कुछ एमसीक्यू 2 मार्क्स के हैं। तो आप एक बात ध्यान रखना डियर, देखो मैं उल्टे तरीके से चलता हूं, आप पहले आंसर को देखकर फिर क्वेश्चन पढ़ना, क्योंकि आप पहले क्वेश्चन पढ़ोगे फिर आंसर पढ़ोगे फिर समझ में नहीं आएगा फिर क्वेश्चन पढ़ोगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा। एक बार आंसर पहले देख लेने से क्या होता है डियर, कि अपना जो दिमाग है ना वो एक तो पूरे इनकम टैक्स लॉ को सोचता है, और जब 4 आंसर आपके सामने होते हैं तो पता होता है यार इन्हीं में से कोई एक है, फिर क्वेश्चन को पढ़कर आप जल्दी कोरिलेट कर सकते हो। आप एक बार इस ट्रिक को लगा के देखना डियर, हो सकता है आपको बहुत बेनिफिट होगा। अच्छा, 2 नंबर का क्वेश्चन अगर आपको इजी लग रहा है कि यार ये तो एक बार भी हो गया फटाफट, वहां एक बार फिर देख लेना, क्योंकि उसमें कोई ट्रिक हो सकती है, क्योंकि 2 नंबर का एमसीक्यू इजी हो ये थोड़ा सा पस्ता नहीं है। तो एक बार आंसर सही भी लग रहा हो ना तो भी भैया दोबारा भी चेक कर लेना उसको, और 1 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा हो, ऐसा लग रहा हो यार इतना बड़ा 1 नंबर का तो होना ही नहीं चाहिए, कम से कम 2 का होना चाहिए, इसका मतलब वो दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन उसमें बात बहुत छोटी सी पूछी होगी, और पूछ क्या रहा है आप समझ क्या रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहेगा एडवांस टैक्स बताओ कितना होगा, और 4 नीचे ऑप्शन दे दिए, ठीक है। अब आप एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन में लग गए भाई साहब, पता चला एडवांस टैक्स उस पर एप्लीकेबल ही नहीं है, 10,000 से नीचे है, तो आपने तो कैलकुलेशन करने में टाइम खराब कर दिया मेरे भाई, तो आईसीएआई आपका टाइम खराब करवाएगा। तो पहले मेरी आप लोगों को सजेशन है मेरे दोस्त मेरे भाई, आप लोग ऐसे करना, पहले ऑब्जेक्टिव कर लेना, और मुश्किल से आप 30 से लेके हाईएस्ट 45 मिनट में खत्म कर लेना भैया। 45 मिनट से ज्यादा अगर लग गए ना आपके, कोशिश करना 30 मिनट में हो जाए, 45 मिनट से ज्यादा लगने का मतलब डिस्क्रिप्टिव में दिक्कत आएगी आपको, और फिर डिस्क्रिप्टिव करना। डिस्क्रिप्टिव में क्या होगा यार, उसमें क्या है कि आप पेपर को खींच भी सकते हो, लेकिन लास्ट टाइम पर क्या होगा कि आपने पहले डिस्क्रिप्टिव किया और आधा घंटा ऑब्जेक्टिव के लिए छोड़ा, पता चला आपका आधा ही पेपर अटेम्प्ट हुआ जिसमें आप पूरा स्कोर कर सकते थे, ये आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को बाद में कर लेना, पता रहेगा ना यार थोड़ा टाइम कम बचा है तो आप उसको कर भी सकते हो, और उसमें जो सबसे बढ़िया है ना पहले उसको ठोक दो, और लास्ट में भी अच्छा वाला ही करना, बीच में इधर उधर सेट करना, क्योंकि एग्जामिनर के दिमाग में ये इमेज बननी चाहिए कि यू आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अगर आपने पहले उल्टा सीधा किया तो आपकी गलत इंप्रेशन चली जाएगी, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर है भाई, वो जो 70 नंबर चेक होएगा वो एग्जामिनर पर डिपेंड करेगा दोस्तों, ये बात मानकर चलिए। और अभी रीचेकिंग राइट मिलेगा नहीं मिलेगा मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकता आपको, अभी कुछ नहीं पता उसका। और एक बात और बता दूं भाई, आप लोगों की एक बहुत गंदी आदत होती है, आप लोग एग्जाम से फ्री होते ही क्वेश्चन पेपर चेक करने लग जाते हो, तू क्या लिखा तू क्या लिखा तू क्या लिखा, खुद विद्वान बन रहे हैं, खुद एग्जामिनर बन रहे हैं, आपको पता है क्या उसका आंसर क्या होना चाहिए मेरे भाई। सीधी सी एक बात बता दूं, एग्जाम हॉल से निकलते ही सीधा घर आ जाना, मत करना दोस्तों से वहां पंचायत बैठ के आधा आधा एक एक घंटे, पता चला सही करके आया वो कह रहा गलत करे आया, दिमाग खराब आपका, अगले एग्जाम में उसका नुकसान होगा भाई, मोटिवेशन कम हो जाता है यार समझो। पेपर बिगड़ भी जाए तो टेंशन नहीं लेने का यार, डिस्कस मत कर, जो कर दिया सो कर दिया, और रिजल्ट की टेंशन तो ले ही मत, क्योंकि ये जो रिजल्ट का टेंशन है ना डियर, यही आपके मन में डर पैदा करता है, और ये जो डर है ना ये आपको डीमोटिवेट करता है। आप रिजल्ट के बारे में क्यों सोच रहे हो यार, अपना बेस्ट करो ना, आपने जो किया है वो ठीक है, आप इस 20-25 दिन में जो कर लो यार जितना बेस्ट कर सकते हो, क्यों सोचते हो रिजल्ट के बारे में। सर रिजल्ट के बारे में आता है दिमाग में, यार क्यों आप सोचो ही मत ना, आप दिमाग में निकाल दो यार, मुझे नहीं पता मैं फेल होऊंगा पास होऊंगा, मेरिट आएगी मेरिट नहीं आएगी, लग जाओ ना यार, बस ये दिमाग में सोच लो यार मुझे 100% देना है अपना, मुझे 1 मिनट मेरा खराब नहीं करना है भैया, 1 मिनट खराब नहीं करना है, अब ये लास्ट टाइम है यार, इसमें 10 घंटे को 20 घंटे के बराबर बना दो, 10 घंटे पढ़ो तो ऐसा निकलना चाहिए 20 घंटे का आउटपुट आया है, 5 घंटे पढ़ो तो 10 घंटे का आउटपुट आना चाहिए मेरे भाई, तब काम चलेगा। अब ये 15-20 दिन कातिल रात वाली कतले रात क्या बोलते हैं भाई, वो है ये, अब पढ़ना पड़ेगा भैया, अब टेंशन लेओगे तो कुछ नहीं होएगा, टेंशन नहीं लेने का, रिजल्ट नहीं सोचने का, बस अच्छा से अच्छा करने का, डोंट वरी अबाउट दैट। और ये पेपर में वो आप वो जो जोड़ते हो ना नंबर, मेरे 5 में से 3 यहां जाएंगे 2 यहां, ये मत करना,
मैं फिर बता दूं, टेंशन हो जाएगी, पता चला 40 से नीचे बैठ गया मामला, 38, यार मैं कल का पेपर नहीं दूंगा, बहुत बड़ी गलती करोगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास जिन्होंने ऐसा सोचा और वो उसी पेपर में पास हो गए, अगला पेपर दिया नहीं, फेल हो गए। पेपर सारे देने मेरे भाई, और कभी कभी तो ऐसा भी लगता है वो एग्जाम टाइम में जब पेपर सामने आता है ना, क्यों लगता है यार कुछ आता ही नहीं है, उड़ गया सब, गया काम से, ऐसा मेरे साथ हुआ है कई बार। लेकिन पेशेंस रखो मेरे दोस्त, ऐसे थोड़ी होता है कि कुछ नहीं आता, वो एक बार दिखने में लगेगा। हमको तो रिव्यू भी नहीं मिला यार 15 मिनट का, आपको रिव्यू मिलेगा, पढ़ना ना पेपर को, और पेपर बहुत हार्ड भी होना टेंशन मत लेना यार, 40 का जुगाड़ तो आराम से होता है, 40 तो कोई भी ला सकता है सीए के पेपर में, मैं गारंटी दे रहा हूं अगर आप पढ़कर गए हो। बस धैर्य से पेशेंस के साथ अपने भगवान को इष्ट को याद करके अच्छे से करके आओ यार, और इस 20-25 दिन में नर्वस मत होना, टेंशन मत लेना कि यार जिंदगी झंड हो गई, फॉरगिव माय वर्ड, मतलब एक तरह से आप समझ रहे हो ना, ऐसे मत सोचना यार, 20-25 दिन, 10 दिन और 15 दिन एग्जाम के मान ले यार, उसके बाद मजे कर लेना यार, बंद कर देना यार ये फेसबुक व्हाट्सएप, क्यों चला रहा है, क्यों देख रहा है। हाँ घर में कोई सदस्य है, पापा है, मम्मा है, बड़े भाई है, बड़ी बहन है, उनसे बीच बीच में 10-15 मिनट बात कर लिया करो, अपने अंदर टेंशन मत रखो, उनसे बात कर लो, रिलैक्स कर लो अपने आप को, थोड़ी सी हंसी मजाक कर लो 10 मिनट। ऐसे टेंशन लेके पढ़ोगे ना कुछ याद नहीं होने वाला, जो पढ़ा है वो भी भूल जाओगे, मानो मेरी बात, टीचर मानो, बड़ा दोस्त मानो, भाई मानो, जो भी मानते हो, लेकिन पढ़ो, अब टेंशन मत लो, अब आ गया है समय डरने का नहीं, मैं फिर बता दूं आपको, बिल्कुल नहीं डरने का, बिल्कुल भी नहीं डरने का मेरे दोस्त, बिल्कुल भी नहीं डरने का। तो ये वाली बात है, थोड़ा सा एक दो चीजें और बता दूं आप लोगों को, तो एक चीज तो इसका ध्यान रखेंगे आप लोग, और टेंशन तो बिल्कुल लेने का ही नहीं है, कुछ बात और बतानी थी आपको, तो फियर नहीं लेने का एक, तो अगर फियर लोगे तो भैया फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। डोंट स्ट्रेस, डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट। क्या बोला मैंने? डोंट स्ट्रेस, डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट। कोई स्ट्रेस मत लो, अपना बेस्ट करो, जो होगा उस पर छोड़ दो, देखा जाएगा साला जो होगा, ठोक दो एक बार पेपर को। एंड मेरी तरफ से एग्जाम में आप लोगों को आई विश यू सक्सेस, हैप्पी दिवाली भी आने वाला है पहले बोल दूं, और बिल्कुल काम रहना यार एग्जाम में, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, डू योर बेस्ट, आप कर जाओगे यार, मुझे पता है आप में बहुत बड़ी काबिलियत है। अरे मेरा जैसा कर लिया यार, जिसको कुछ नहीं आता था, तुम तो कुछ भी कर लोगे, ठोक दोगे पेपर को, बस हथियार मत डालना यार, टेंशन नहीं लेने का। ओके, टाटा बाय बाय, फिर बीच में कुछ छोटे मोटे वीडियो बना दूंगा, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, ऐसे ही बना दिया था, मन में आ गया था मेरे, और वो इनकम टैक्स का एक रिविजन पूरा डालूंगा, क्योंकि थोड़ा हार्ड हो जाता है सिलेबस। ITC के भी मैंने कुछ वीडियोज डाले हैं, फिर भी आपको लगता है कि कुछ मेरी हेल्प की जरूरत है, प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम है उसका फोटो खींच के मैं तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, और कुछ मेरे से सुनना चाहते हो प्लीज मुझे सजेशन दीजिएगा, और वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। डू द बेस्ट, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, फिर मिलेंगे, और एग्जाम के जो भी आपके एक्सपीरियंस है उन्हें शेयर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, सब बढ़िया होगा आपके साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।